हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रौनक बमरा एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम चेक करेंगे कि 100 में ऑल्टो 800 BS6 कितनी चलती है, ठीक है, 100 के पेट्रोल में। तो अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसका मीटर, जो कि मैंने 450 का पेट्रोल डलवाया था, 450 में, सॉरी 420 का मैंने पेट्रोल डलवाया था, 420 रुपए का, तो उसमें 83 किलोमीटर चली है। अभी भी और चलेगी, लेकिन फिर भी मैं एक कांटा है यहाँ पे देख लो, लेकिन फिर भी मैं अभी 100 का पेट्रोल डला लेता हूँ, 100 का पेट्रोल अभी मैं डलवा लेता हूँ और फिर देखते हैं कि कितनी चलती है अपनी ऑल्टो 100 रुपए के पेट्रोल में। तो अभी व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, पहले चलते पेट्रोल पंप, पेट्रोल ले लेते हैं, फिर देखते भाई अपनी ऑल्टो कितनी चलती है 100 के पेट्रोल में। तो भाई मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, तो अभी देख लो 84 किलोमीटर है, हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं पेट्रोल पंप आया हूँ, देख लो। तो अभी 100 का पेट्रोल डलवाते हैं और देखते हैं कि भाई गाड़ी हमारी कितनी चलती है। ये एक तरह से माइलेज टेस्ट की वीडियो ही है, 100 का टिल, 100 का, हाँ। तो अभी 100 का पेट्रोल डलवाते हैं। फिलहाल यार मौसम बहुत गर्मी है और मैंने जैकेट भी पहन रखा है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना तो बनता है भाई। तो अभी स्ट्रेट रोड निकलेंगे मैरिन ड्राइव की तरफ और फिर मैरिन ड्राइव में देखते हैं भाई हमारी गाड़ी कितनी चलती है। मैं अभी 0 मीटर कर दूंगा, आप यहाँ से नहीं करूँगा, मैं मैरिन ड्राइव से करूँगा। तो मैरिन ड्राइव से फिर 100 रुपये का पेट्रोल में काउंटिंग करेंगे कि मैरिन ड्राइव में पूरा 100 का पेट्रोल कितना चलता है। तो देख लो भाई, अभी भी यहाँ पे आप लोग मीटर देख लो, 83 में मैंने गाड़ी निकाली थी, तो अभी 84 है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि पेट्रोल पंप मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो अभी देख लो। सो भाइयों, अभी मैं मेरिन ड्राइव पहुँच चुका हूँ। तो ये आप लोग को पीछे दिखा देता हूँ, ये बैक मिरर से देख लो, यहाँ ये रोड से मेरिन ड्राइव स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो कि है गंधक रोड तरफ, और यहाँ से भी हम पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारी गाड़ी 100 के पेट्रोल में कितनी चलती है। वैसे तो ये माइलेज टेस्ट ऐसा कुछ भी वीडियो नहीं है, ऐसे ही मैं घर से निकला था घूमने फिरने, तो मैंने सोचा कि क्या आप लोग के लिए एक वीडियो बना दे। तो आप लोग देख लो, अभी 85.1 किलोमीटर है, ठीक है। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ फ़ोन से, जो कि मेरे पास आईफोन है, उससे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो फोकस रहता है ना, वो मेरा फोकस आगे रहता है, ठीक है। मैं फ़ोन पे देख के गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, तो आप कभी भी ये ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत लोग का एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। वैसे मेरे पास गोप्रो नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार आईफोन है, आईफोन से ही वीडियो बना देते हैं, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को सिर्फ चाहिए है कि भाई लड़का कुछ बताए, मतलब कि कुछ ऐसा बताए जिससे भाई हमें कोई दिक्कत ना हो और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए। इसलिए मैं घर से निकला था और ऐसे ही घूमने फिरने, तो मेरे को लगा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ आप लोग के लिए। और मैं एसी ऑफ में चला रहा हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन हाँ सुबह गर्मी है, लेकिन आपको उतनी भी, मतलब यहाँ लू तो नहीं चल रही है, ठंड का मौसम है तो गर्मी है बट उतनी नहीं है, ओके, ठीक है। सुबह गर्मी लगती है और कार में तो आपको पता है यार, मैं अभी कार चला रहा हूँ तो मेरा जो भी फोकस है, मेरा फोकस एकदम आगे, मैं फ़ोन के स्क्रीन पे देख के नहीं चला रहा हूँ। अगर आप फ़ोन के स्क्रीन पे देख के चलाओगे तो एक्सीडेंट का बहुत खतरा है। तो अभी देख लो यार, अभी थर्ड गियर पे है, तो अभी इसको मैं फोर्थ गियर पे डालता हूँ, ठीक है। और फोर्थ गियर पे डालने के बाद अभी मैं इसको फिफ्थ गियर पे ही डालता हूँ, देख लो यार फिफ्थ गियर पे लगी हुई है, और अभी फिफ्थ गियर पे ही चला के देखते हैं कि माइलेज कितनी निकलती है। वैसे तो अभी धूप के कारण आपको मीटर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को एंड में टोटल दिखा दूंगा कि आपको एक एवरेज पता चल जाएगा कि अगर आप 100 का पेट्रोल डलवा रहे हो तो आपकी कार 100 के पेट्रोल में कितनी चलती है, एक एवरेज आपको पता चल जाएगा। मैं यही पर्पस है मेरा वीडियो बनाने का बस। तो अभी फिफ्थ गियर पे ही गाड़ी चला रहे हैं, जो कि स्पीड आप लोग देख लो 40 की स्पीड पे है, नॉर्मल स्पीड में है क्योंकि हाईवे रोड है और स्पीड चलानी भी नहीं चाहिए,
क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि स्पीड चलाना मतलब होता है, जिसके हाथ में कार आ जाती है ना वो बंदरों के जैसे कुछ नचाते हैं कार को, तो ये सब बहुत गलत बात है। और वैसे बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है क्योंकि कंटेंट समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, और सोनू भाई भी बहुत बिजी रहते हैं। सो उनको भी मैंने बोला था कि मुझे निंजा पे वीडियो बनानी है, तो उन लोग उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, हम बनाएंगे ज़रूर, तो थोड़ा वक्त चाहिए उस चीज़ के लिए। बहुत सारी चीज़ें अभी आएगी नई नई, मैं सोच रहा हूँ कि GoPro मैं ऑर्डर करूँ, तो अगर आप मुझे कमेंट सेशन में प्लीज़ प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक बार बताओ कि मुझे GoPro लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर सजेस्ट करोगे, अगर आप चाहते हो कि क्वालिटी कंटेंट आए, तो एक बार मुझे प्लीज़ सजेशन दे देना कि मुझे GoPro लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बता देना, क्योंकि अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक तो ज़रूर करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग से थोड़ा बहुत सजेशन ले रहा हूँ कि मुझे GoPro बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मुझे प्लीज़ बता देना आप लोग। और बाकी कोई भी दिक्कत है भाई, अपने भाई को DM करो Instagram पे या फिर फॉलो कर लो, वहाँ पे भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते ही हो, जो कि मैं एक्टिंग वगैरह की वीडियोस डालता हूँ। मेरा जो Instagram हैंडल है वो मैं सिर्फ एक्टिंग की वीडियोस डालता हूँ, और YouTube पे मैं गाड़ी वगैरह, मोटो व्लॉगिंग और कहीं घूमने फिरने गया उन सब चीज़ों की भी वीडियो डालता हूँ, हेयर कट की भी वीडियो डालता हूँ, आप लोगों ने तो देखा ही है। तो मेरा जो YouTube चैनल है वो ओवरऑल सब चीज़ के लिए है, जो मैं बाहर घूमता फिरता हूँ तो भाई मैं वो चीज़ को एक्सप्लोर कर देता हूँ, जो मैं जैसे कि मैंने अभी हेयर कट करवाया है तो मैंने हेयर कट का वीडियो डाल दिया, तो और अभी जैसे मैं कार पे घूम रहा हूँ तो मैंने सोचा कि चलो भाई कार पे घूम भी लेते हैं थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ एक वीडियो भी बना देते हैं। और मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि मुझे कमेंट करके बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप जैसे गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी आपके आगे पीछे बहुत मतलब कि सामने रहती है, तो वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अभी जो आगे ट्रक जा रही है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, कैमरे में लगता है, सिर्फ वीडियो में लगता है कि डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो सेफली ड्राइव करता हूँ और सेफली ड्राइव करना भी चाहिए। तो अभी दिखा देता हूँ आप लोग को एक बार मीटर फिर से कि अभी गाड़ी कितनी हमारी चली है, क्योंकि मैं नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ, 40 के स्पीड पे चला रहा हूँ और फिफ्थ गियर पे है गाड़ी, और दिखाता हूँ अभी आप लोग को स्पीड एक बार। तो फिफ्थ गियर पे है और नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ 40 के स्पीड पे, और AC ऑफ है, क्योंकि AC इसलिए ऑफ करा है क्योंकि भाई विंटर है, विंटर में कौन यार AC चला के गाड़ी चलाएगा, ठीक है, कौन है AC ऑन करके गाड़ी चलाएगा, इसलिए मैंने AC को ऑफ करा है। और AC अगर ऑन करूँगा तो फिर माइलेज थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इंजन इसका यार 800 cc का है, और मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका जो इंजन है ना, जैसे कि आप AC ऑन करते हो तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपको पावर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो अगर आप चलाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो अभी आप लोग देख लो 5 किलोमीटर होने वाला है, ठीक है, अभी हम सिर्फ जा ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं मरीन ड्राइव, तो 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने वाला है, 4.6 हो गया है। तो यार ऑल्टो की जो माइलेज है ना वो नेक्स्ट लेवल में सबसे बेस्ट है यार, इतनी मस्त माइलेज, इतनी तगड़ी माइलेज कोई भी कार की नहीं हो सकती, क्योंकि ये BS6 इंजन है। तो वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये BS6 ऑल्टो है, जो कि हमने 2021 में ली थी, अभी तो 2023 आने वाला है, 2021 में ली थी हमने अपनी ऑल्टो 800, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि भाई हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है ये कार पे, आज तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, और इसके पार्ट्स तो आप लोग को पता ही है यार कितने सस्ते आते हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो कहीं पर भी कोई भी कार केयर की दुकान है वहाँ पर आपको इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। देख लो अभी कितनी गाड़ी चली है, 5.5 हो चुका है, तो आप लोग देख रहे हो 5.6 हो चुका है, अभी हम बढ़ते ही जा रहे हैं। बस ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, क्या करेंगे घर पे रह के, साथ ही साथ वीडियो भी बना लेंगे, और वैसे भी कल रात को यार बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, क्योंकि आपको तो पता है जो लड़की के चक्कर में पड़ गया उसका तो मूड हमेशा ऑफ रहना ही है। तो
इससे अच्छा है कि भाई ये सब चक्रों से बचो, अपनी वीडियो वगैरह बनाओ, जो भी आप करते हो काम वाम उस पर फोकस करो। वैसे तो अभी यार मेरा जो फेस है ना वो पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत स्वेट हो चुका है, क्योंकि मैंने एसी ऑफ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो अभी रोड आगे खाली है। चलो यार इस हिसाब से ये भी पता चल जाएगा कि हमारी जो मैरिन ड्राइव है वो कितनी किलोमीटर है, क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं करा है। आप लोग बताओ यार मुझे कमेंट पे कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस पसंद है, उस टाइप की वीडियोस बना दूंगा मैं, चाहे कार पे हो या फिर व्लॉगिंग हो, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग हो। लाइफस्टाइल व्लॉगिंग तो मैंने आज तक कभी करी नहीं है कि भाई यहाँ जाए वहाँ जाए, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ जमशेदपुर पे, यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप एक्सप्लोर करो। वैसे भी आप जमशेदपुर में क्या एक्सप्लोर कर सकते हो? अगर दिल्ली वगैरह में रहते तो दिल्ली में आप इधर से उधर जाओ, एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, इन्जॉय करो। और जैसे कि आप लोग को पता है कि भाई आपका भाई तो इतना फेमस है नहीं कि मुझे सब लोग जानते हैं, या फिर मुझे अब इन फ्यूचर जानेंगे कि नहीं जानेंगे, ये सब लक पे डिपेंड करता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई थिंक आई शुड बाय GoPro, क्योंकि यार कितना ही आप फ़ोन से ब्लॉगिंग कर लोगे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मोटो ब्लॉग करूँ, इसको पहले ऊपर कर देता हूँ यार, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मोटो ब्लॉग करूँ, क्योंकि मुझे पसंद है मोटो ब्लॉग करना। और तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको मोटो ब्लॉग करना है तो आपको तो अपना ये GoPro तो बाय करना ही होगा। तो उसके अगर वो ना हो तो फिर कैसे आप मोटो ब्लॉग कर सकते हो? लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो फिफ्थ गियर पे ही मैं कार चला रहा हूँ तब से, ऑलमोस्ट मैरिन ड्राइव पूरा एंड हो चुका है। आप लोग को एक बार रुक के आगे मैं किलोमीटर दिखा दूंगा कि कितना चला है, ठीक है? क्योंकि हमने जब चालू करा था तब तो आपको तो पता ही, जीरो से चालू करा था। तो अभी आगे देखते हैं। गड्डी साड़ी ले जा, चट्टी है। तो ये हमारा मैरिन ड्राइव पूरा खत्म हो चुका है। अभी मैं सिटी से ही निकालूंगा कार, ठीक है? अभी मैं सिटी से ही कार निकालूंगा क्योंकि पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन आप लोग डबल कर लेना कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितनी किलोमीटर आपकी कार चलेगी ऑल्टो। और बात करते हैं कि हाईवे पे कैसे चलती है हमारी ऑल्टो 800। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि जो हमारी ऑल्टो है ना बहुत ही बढ़िया ऑल्टो है और बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मैंने तो भाई अपने भाई को पहले बोला था कि ऑल्टो मत लो, कुछ और ले लो, लेकिन नहीं, मेरे भाई ने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। है छोटी सी कार लेकिन बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई आई एम सेटिस्फाई आफ्टर बाइंग ऑल्टो, आई एम वेरी सेटिस्फाई। आपको ऐसी वाली फीलिंग आएगी। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि भाई मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है तो मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो ये देख लो, अभी ये सिटी का रोड आ गया है, पूरा हाईवे मतलब मैरिन ड्राइव जो हाईवे था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं आप लोग को सामने में कार, पीछे से कोई आ रहा नहीं है तो मैं आप लोग को सामने कार एक बार लगा के एक बार दिखा देता हूँ कि कितनी चली हमारी ऑल्टो। तो आप लोग देख लो 10 किलोमीटर चली है। सो आप लोगों ने देखा ना कि हमारी जो ऑल्टो है वो 10 किलोमीटर चली है जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, जो कि हमारा मैरिन ड्राइव जो रोड है वो 10 किलोमीटर तक है। अगर आप वापस जाओगे यहाँ से तो 10, तो ऑन एवरेज मैं आप लोग को बताता हूँ कि 20 किलोमीटर है जो कि हमारा मैरिन ड्राइव है। तो 20 किलोमीटर तो चलेगी ही चलेगी आपकी ऑल्टो 100 के पेट्रोल में, ये मैं आप लोग को गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि भाई मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करा है। ये सब जो मैंने अभी आप लोग के लिए वीडियो जो बनाई है मैंने, ये मैं सिर्फ और आप लोग को दिखाने के लिए मैंने बनाई है कि आप अगर आप 100 का पेट्रोल डलवाओगे तो 20 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी, अगर आप प्यार से चलाओगे तो। अगर आप रेव करके चलाओगे, अगर आप 60, 80, 100 चलाओगे
तो मिनिमम टू मिनिमम अराउंड 12-13 की एवरेज निकलेगी आपकी ऑल्टो की, ठीक है। अगर आप प्यार से चलाओगे 40-50 की स्पीड में या फिर 60 भी नॉर्मल है, ठीक है। कार में तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप 30 की स्पीड में चला रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितनी स्पीड आपकी चल रही है। तो अगर आप 60 की स्पीड में भी चला रहे हो, 50-60 की स्पीड में भी आप गाड़ी चला रहे हो अपनी, तो एवरेज आपकी अराउंड 20 तो निकलेगी ही निकलेगी ऑन हाईवे। आई एम टॉकिंग अबाउट हाईवे। अगर आप सिटी में चलाओगे तो ऑलमोस्ट 17-18। सो इट्स ओके, यहीं तक थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी होगी। आप लोग कमेंट सेशन में मुझे बता देना ये बात कि मुझे GoPro लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।